मचूर मिट्टी सर ने कुछ इन्वाइट किया कि मेरा वहाँ में बहुत सारा डेवलप है, वहाँ का डेवलप को सारा अरुणाचल में फैला दो बोला। तो मचूर मिट्टी सर बोला है कि मेरा वहाँ में बहुत डेवलप वेलकम कर रहे हैं, तो हम जाएगा कल हम लोग निकल रहे हैं, निकल के हम लोग देखेंगे कि सचमुच डेवलप है डेवलप नहीं है, देख लेते हैं वो सचमुच में कितना डेवलपमेंट है। तो अगर डेवलपमेंट होता है तो हम तारीफ करेगा, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होता है तो वही करा के वही पर उसका धज्जिया उड़ाए, वो तो कन्फर्म है। अब वहाँ से क्या क्या सबूत निकलने वाला है कि मचू मिट्टी का ये रोइंग में अच्छा है, ये काम है? तो हम वहाँ में नहीं बोल सकते कि बहुत सालों रोइंग का फोन किया है कि वो मचू मिट्टी जो झूठ बोल रहा है, असली में आप जो वहाँ का मार्केट का बैक साइड आइए, वो बस्ती जाइए और स्मार्ट बस्ती खुलना था वो भी नहीं खुला, उसके बाद जो जे जे एम का वो भी नहीं हुआ, ऐसा बहुत सा लोग बताया है, लेकिन हम किसी को विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते किसी को। मैंने विश्वास तो करता है, लेकिन हम खुद के प्रैक्टिकल नहीं देख रहे, तो शायद क्या पता वो मचू मिट्टी का अपोजिशन लोग भी बोल सकता है नहीं है, तो इसलिए हम उसको भरोसा खुद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर नहीं होता है लेकिन हम वही में करा के बोलेगा कि आप जो गलत कर रहा है बोलते वही में लज्जा हो रहा है। और एक बार आप जो बोल रहे तो सुन भी रहा था कि बहुत सा लोग मैसेज भी कर रहा था, कॉल भी करके बोल रहा था कि रोइंग जो बहुत कुछ कुछ माने थोड़ा डर भयानक लोग है रहता है, तो वहाँ में आपका जान को खतरा हो सकता है, बहुत सारे हमको ऐसे कमेंट्स किया है और व्हाट्सएप में लिखा है, बहुत सारे ऐसे लिखा है। तो हम तो ऐसा लगता है अगर हम कुछ होने से तो मचू मिट्टी सर का रेक्स है, क्योंकि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, तो इन्वाइट किया है तो उसका रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम कुछ हो गया तो रेस्पॉन्सिबल तो मचू मिट्टी, क्यों रेस्पॉन्सिबल है बोलने से? देखिए वो हमको बुला रहा है, तो हम बोला हम 12 तारीख को आएगा, वो बोला चलो मोस्ट वेलकम, हम बोला चलो ठीक है रेडी करो बोला। तो हम कल जा रहे हैं, तो मचू मिट्टी सर का रेस्पॉन्सिबल होता है कि वहाँ में हमको क्या होगा नहीं होगा उसका। अब कोई मार देता है तो अच्छा है, वो तो हम क्या बोलेगा, कोई मार देता है, कोई मार के फेंक देता है या मरा देता है या कोई हमको गायब कर देता है, वो अच्छा है तो हम क्या बोलेगा, वो तो वो प्लानिंग के साथ कर रहा होगा तो हमको मारने के लिए, तो हम तो वही बोलेगा कि मचू मिट्टी सर अगर वहाँ में हमको बुला के अगर मारने दिया बोलने से तो बहुत अच्छा, बट उसके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है वही। ये मचू मिट्टी जो आपको रोइंग में क्यों इन्वाइट क्यों किया, इसका आप थोड़ा एग्जांपल बताएगा? एक्चुअली उस दिन डिबेट हुआ था, नॉर्थ ईस्ट लाइफ में डिबेट हुआ था, उस समय में एक्चुअली हम लोग प्रिपेयर किया था, बीजेपी जो स्टेट सेक्रेटरी को हम लोग प्रिपेयर किया था उसका हम डिबेट करने के लिए, तो बीच में ये मचू मिट्टी जो आके वही लगा रहा है, वही तंग आ रहा है, वही जैसे कि ऐसा लगे कि वही बीजेपी का स्पोक पर्सन है या तो बीजेपी का प्रेसिडेंट वही है। तो उसके बाद हम दोनों में थोड़ा तुतुमे में हुआ है कि तुतुमे में मन एंड उसको हम नहीं बोला है, तो हम बोला अरे आप ऐसा क्यों बोलते हैं, बोलते वो थोड़ा नेगेटिव माइंड से बात कर रहा था, तो हम बोले ठीक है आपका वहाँ में आएगा, तो बोला वो भाई मोस्ट वेलकम आइए बोला है तो रोइंग में, तो मेरा वहाँ में कितना डेवलप आपको हार्दिक शौक वेलकम है बोले, तो हम बोले चलो ठीक है तो आने में क्या, उसमें हम बोले देखिए हम 12 तारीख आएगा, फिर हम अपना वादा का पक्का है तो हम 12 तारीख को ही आएगा, क्योंकि झूठ बोलना अच्छा बात नहीं है, तो 12 तारीख को ही आके वहाँ पर देखता है क्या नहीं होता है, होता है मेरा टीम जाएगा, मेरा बहुत सा लड़का लो जाएगा 10-15 जैसे जाएगा होगा मेरे सामने, तो हम लोग जाके वहाँ पर 2-3 दिन बैठता है कि सचमुच डेवलप होता है नहीं होता है वही।